वो गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट के साथ एक जो है लिंक का काम करके उससे गवर्नमेंट से वो ना उनके जो है अभियान में लाके ये यात्रा होती है। इसमें क्या है कि यहाँ से जम्मू से जो हमारी डिफरेंट एरियाज में लोग जाना चाहते हैं, ये डिवोटी जाना चाहते हैं माता के भक्त जो है, उनके लिए बसेस प्रोवाइड की है और उसके बाद वो जगती में सुबह 6 बजे TRT नगरोटा जिसको बोलते हैं वहाँ 6 बजे से यात्रा निकलती है। सारी एरिया से बसेस आएंगी, वहाँ TRT से निकलेंगी, उसके बाद रामबन में भंडारा होगा। रामबन DC ऑलरेडी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके अलावा 5-6 बजे तक वो खीर भवानी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी उनका अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ उनके रहने का। खाना जो है उनका वो नागडंडी वाले जो है हमारे जो नागडंडी विवेका केंद्र है, खाना उनके 3 दिन वो उनका लंगर 4 दिन चलता है, वो कम से कम 20-25-30 हज़ार लोगों को खाना खिलाते हैं। और भी बाकी सुविधा जो है वो सारी इस दफ़ा कंप्लीट हो गई है, जब कुछ चल रही है और 28 तारीख से पहले जो यात्री है वो वहाँ पहुँचना शुरू करेंगे और 28-27 रात को और सुबह 28 तारीख को माता का भव्य दर्शन होगा और माता से आशीर्वाद लिया जाएगा। तो मैं सब विश्वकेश्वरी समाज की तरफ से और माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी से सबको ये अपील करता हूँ, आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कहीं भी किसी को कोई है, कोई उसको शंका है, कुछ पूछना है, वो हमारे यहाँ योगी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी पिंटू जी हैं, प्रेसिडेंट, इनके को कांटेक्ट करें, मुझे भी कर सकते हैं, बाकी जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको कर सकते हैं और हम उनको पूरी सुविधा देंगे किसी किस्म की। मैं प्रेस वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो भी हमारे साथ आना चाहते हैं हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। 2-3 दिन की बात है, माता का आशीर्वाद मिलेगा, सारी उम्र आप जो है बहुत ही इंटरनेशनल प्रेस में पहुँच जाएंगे।